हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू जॉब वीडियो। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राजीव नवोदय विद्यालय चमोली में गेस्ट हाउस गेस्ट टीचर की दोस्तों भर्ती निकली है, जो ऑफलाइन फॉर्मेट में है, जिसे भर करके दोस्तों डाक द्वारा या स्वयं जमा करना होगा। दोस्तों, आवेदन पत्र 27 सितंबर 2023 की शाम के 5 बजे तक पंजीगढ़ डाक अथवा स्पीड पोस्ट से कार्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण के पते पर अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा, जिसमें सबसे पहले आवेदित जनपद का नाम, जिस जनपद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और फिर दोस्तों विषय का नाम, आवेदित विषय का नाम और अभ्यर्थी का नाम। अपना नाम यहाँ पे दोस्तों लिखना है नंबर 3 में, और मेल फीमेल की डिटेल दोस्तों आगे लिखेंगे और यहाँ पे फोटो लगेगी, और नंबर 4 में पिता या अथवा महिला है तो पति का नाम लिखेंगे, और 5वें नंबर में दोस्तों जन्म तिथि लिखनी है अंकों में फिर शब्दों में, और 6वें नंबर में दोस्तों 1 जुलाई 2023 से उम्र घटा करके यहाँ पे लिखनी है। इस तरह दोस्तों अपने ग्रह जनपद का नाम और पत्र व्यवहार का पता और स्थाई पता 10वें नंबर में। 11वें दोस्तों जनपद से में निवासरत रहने का साक्षी प्रमाण पत्र आपको लगाना है, उसकी 6 प्रति दोस्तों फर्स्ट स्टेट कॉपी लगाएंगे, और नंबर 12 पे दोस्तों फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर लिखेंगे, और आगे दोस्तों मोबाइल नंबर, और आगे शैक्षिक योग्यता में दोस्तों हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों वर्षों की इसमें डिटेल डाल के आप यहाँ पे लिखेंगे, और टेट का डिटेल नंबर 4 पे, और प्रशिक्षण बीएड एलटी और क्रियात्मक डिटेल दोस्तों 5 नंबर में लिखेंगे। आगे दोस्तों मैं घोषणा करता हूँ अपना नाम अगर अथवा पिता या पुत्री वगैरह, और पति का नाम या पिता का नाम आगे लिखेंगे दोस्तों, और डेट डालेंगे, और संलग्न संख्या जो आप फोटो स्टेट के साथ लगा रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे नीचे लिखेंगे, और आगे दोस्तों साक्षात्कार यहाँ पे दोस्तों हस्ताक्षर अपना नाम और अपने साइन करेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे दोस्तों लास्ट में। दोस्तों यह पदों का योग्यानुसार नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतिम कार्य दिवस अथवा स्थायी नियमित व्यवस्था होने तक जो भी पहले घटित हो रहा है इस संस्था में निम्न पदों के सापेक्ष गेस्ट टीचर की नियुक्ति की जानी है, जिसमें दोस्तों विषय का नाम है दोस्तों सामाजिक विज्ञान TGT। इसके लिए शैक्षिक योग्यता में दोस्तों किसी विश्वविद्यालय से भूगोल अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में हिंदी के 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से 1 विषय में तृतीय वर्ष तक तथा शेष एवं द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। नंबर 2, किसी राजकीय या सरकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से BEd की उपाधि एवं CTET द्वितीय और UTET द्वितीय वर्ष के रूप में नियमित होना आवश्यक है। उम्र है दोस्तों 21 वर्ष से 42 वर्ष तक, अथवा दोस्तों अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd भूगोल अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो एवं CTET द्वितीय UTET द्वितीय के रूप में होना आवश्यक है। नोट, अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा साक्षात्कार की तिथि अभ्यर्थियों को दूरभाष मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा का समय बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, आवासीय विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में रात्रिकालीन सेवा अनिवार्य है। नंबर 2, चयन हेतु अंग्रेजी
परिपूर्णता परीक्षा साक्षात्कार एवं शैक्षिक योग्यता के गुणांकों को जोड़कर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। नंबर 3, CBSE पाठ्यक्रम के अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन अध्यापन कार्य में सक्षम हो। और नंबर 4, का कंपोर्ड का सार्थक ज्ञान अनिवार्य है। नंबर 5, चयन होने की दशा में प्रचार के अनुप्रसम्मुख आवासीय विद्यालय के अनुरूप कार्य की सहमति विषयक अनुबंध पत्र देना होगा। नंबर 6, अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी अपने साथ समस्त प्रशिक्षण शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र व एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की अवलोकनार्थ लाएंगे। नंबर 7, अभ्यर्थी को अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षा साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देर नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, अभी जानकारी के लिए हमारे चैनल लाइक करें।